53 वर्षीय दिलीप लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तिरंगे की छोटी छोटी झंडियों से सजी साइकिल पर देश का भ्रमण करने निकले हैं। इस उम्र में उनका यह लक्ष्य 45,711 किलोमीटर साइकिल चलाना है। इसके लिए वह 4 राउंड करेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर निवासी दिलीप ने जब साइकिल यात्रा शुरू की थी तब 3 साथी और थे, लेकिन वे बीच रास्ते में ही वापिस लौट गए। बावजूद इसके दिलीप ने हिम्मत नहीं हारी। माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकले दिलीप की माँ का भी इस दौरान पीछे घर पर देहांत हो गया। दिलीप ने रास्ते में ही उन्हें श्रद्धांजलि देकर अपनी यात्रा जारी रखी। करीब 2 माह में 5,000 की साइकिलिंग कर बाप पहुंचे दिलीप ने बताया कि उन्होंने यह यात्रा नागपुर से 26 जनवरी 2022 को शुरू की है। वे नेशनल और महाराष्ट्र मास्टर एथलेटिक्स खिलाड़ी तथा भरत मल्लिक क्रीड़ा मंडल नागपुर के अध्यक्ष भी है। इसके अलावा नागपुर नगर पालिका में नौकरी भी करते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 45,711 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से भी पूरी करेंगे। सर, मैं नागपुर से 26 जनवरी के लिए एक संदेश लेके चला है, जो तारीख थी 26/1/2022, और मैं 4 युवक खाते हम लोग, उसमें से 3 युवक मेरे कट चुके हैं, जिसमें कि मुझे अपने आप में एक प्रेरणा जगानी पड़ी कि मुझे 45,711 किलोमीटर 2019 में मैंने जो डिक्लेयर किया था लेह में पहाड़ी के अंदर में साइड के रूट में, उस उद्देश्य को मुझे पूरा करने के लिए एक लक्ष्य अपने आप में वजूद तैयार करना पड़ा, जिसमें कि बहुत कठिनाई का रास्ता ही 45,711 किलोमीटर। सर, मैं नागपुर से दिल्ली मुंबई आया साइकिलिंग में, मुंबई से क्या बोलते हैं सूरत आया, सूरत से दीव आया, दीव से अपने पोरबंदर गया, पोरबंदर से द्वारका गया, द्वारका से फिर मैं इधर में आया राज जम्मू जामनगर, जामनगर से फिर क्या बोलते राजकोट आया, राजकोट से मांडवी करके गांव वहाँ गया, फिर राजस्थान बॉर्डर में आया, राजस्थान बॉर्डर से मैं अभी इस वक्त यहाँ तक मैंने 5,000 के करीब साइकिलिंग कर चुका है, जिसमें कि भारत देश के शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, नशीली चीज़ें नौजवानों को मुक्त करा जाए, प्रदूषण से बचाया जाए, और युवा को उसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सुबेरे अपना योगा युवा करके अपना फिटनेस का ख्याल रखिए, जिसमें कि आप आगे कुछ कर दिखाओगे देश पे, ऐसा मैं बहुत बड़ी देश पे एक आशा करता हूँ कि ऐसे बच्चे तैयार हुए कि जो देश के काम आए, जिसमें कि सभी तो योगा करते हैं लेकिन उनमें सद्भावना पैदा होना चाहिए कि हमें कुछ कर दिखाना है, उनके वजह से मैंने एक लक्ष्य लेके चला है, जिसमें कि आज मैं बापा करके एक शहर है छोटा सी, उस जगह से मुझे और कल निकलना है, बीपनेक करके सिटी है वहाँ जाना है, उसके बाद में जम्मू जाना है, जम्मू से मेरे को श्रीनगर कश्मीर कटरा करते हुए कुल्लू मनाली ले जाना है, ले से कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली से नीचे बिलासपुर में उतरना है, बिलासपुर से शिमला जाना है, शिमला से नागालैंड होते हुए विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से मुझे रिटर्न कलकत्ता खड़गपुर आना है, खड़गपुर से मुझे दिल्ली जयपुर वाला साइड पकड़ के इंदौर का रिटर्न होना है मुझे, जिसमें कि अमिताभ बच्चन वाला इलाहाबाद बोलते हैं रीवा सतना कितना वो करके रिटर्न मुझे ग्वालियर आना है, ग्वालियर से फिर मुझे पहला राउंड मेरा भोपाल होते हुए नागपुर में समाप्त होऊंगा, दूसरा राउंड भी नागपुर से चालू होऊंगा, तीसरा भी नागपुर से चालू होऊंगा, चौथा भी लास्ट राउंड रहेगा मेरा जिसमें नागपुर में समाप्त होऊंगा, इसलिए सर ये राउंड समाप्त होऊंगा कि मुझे आप जैसे जनताओं से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि मुझे प्लीज़ थोड़ा गाइड कीजिए रोड में, भारत देश में एक लक्ष्य तैयार हो जाएगा ये लिम्का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 45,711 किलोमीटर, जिसमें कि काफ़ी लोगों ने एक लिम्का में नाम दर्ज करने के लिए अपने छोटे छोटे टूर करे, मेरी आज 53 एज कंप्लीट हो चुकी है, 54 रनिंग में हूँ, जिसमें कि मुझे एक भावना जग गई है कि मुझे कर दिखाना है और मैं ये करके रहूँगा, ये ऐसा मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें कि सर मैं प्रेस रिपोर्टर टीवी चैनल की नल है, पत्रकार है, इनकी बहुत से मुझे मदद मिल रही है, एक भावना जग रही है कि मैं कर सकता हूँ, करने के लायक हूँ, अभी मेरी एज के हिसाब से मुझे हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अगर ये लक्ष्य खड़ा हो गया तो भारत के लिए बहुत बड़ा एक लक्ष्य होगा, जो अदर कंट्री का इंसान करने के लिए बहुत विचार करेगा कि हमने इस एज के आदमी ने रिकॉर्ड बनाया है, इसको तोड़ने के लिए इसी एज का आदमी चाहिए, ताकि बहुत कठिनाई का रास्ता चलना पड़ रहा है मुझे, जिसमें कि 45 से 50 डिग्री तापमान है अभी राजस्थान के अंदर में, और वो धूप में साइकिलिंग करना और एक एक्सपीरियंस तैयार करना अपने आप में, और सिंगल और रात के टाइम में साइकिलिंग करना, मुख्य जानवर है
वो कब हमला करेंगे तुमको झुड़ूक से आकर के, इसका भी कोई भरोसा नहीं है मुझे। इससे ज़्यादा अभी जब मैं पहाड़ी इलाके में चलेंगा तो मुझे बर्फ़ इलाके में भी बहुत कठिनाई से गुजरना है। परसों के दिन मेरा पैर का एक नाखून गर्मौट से निकल चुका है राइट साइड का, जिसमें कि अभी बैग में रखा हुआ है। वो ऐसी भी होता है कि शरीर में खजान पैदा हो जाती है गर्मौट के कारण, तपन ट्यूब सब लगाने के कारण शरीर का पूरा सत्यानाश हो जाता है। फिर भी मैं शरीर के तरफ नहीं देख रहा। मेरी मम्मी गुजर गई है 22 फरवरी को, उनकी डेड बॉडी में भी नहीं जा सका मैं। इसलिए मैंने विचार करा कि मेरी मम्मी ने कही थी कि आप कामयाब होकर लौटने का, वो एक मम्मी, एक भारत माता और एक धरती माता, इन तीनों को लेकर के मैं एक भारत में लक्ष्य बना के चल रहा हूँ। 45,711 किलोमीटर। जनता को भी मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएँ देता हूँ, और भारत की भी और सभी जनताओं को जय हिंद जय भारत। थैंक यू।